वेलकम टू द रिच मनी तो आज आज मैं मैं बात करने वाला हूं। आज मैं कुछ strategy, एक सिंपल फॉर द फॉर द बिग्नेस आर नो आइडिया अबाउट ऑल थिंग्स की टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं की. एक ट्रेडिंग आपको एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटेजी uh, बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है एंड टोटली मिक्सड ऑफ ऑफ प्राइस एक्शन एंड वन इंडिकेटर आई जस्ट यूज ओनली वन इंडिकेटर बस एक इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ और काफ़ी सिंपल है आपको बस एक पैटर्न समझना है और काफ़ी स्वीट एंड सिंपल है आप मंथली आराम से इससे अगर आप रोज़ ट्रेड करते हो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे और बहुत अच्छे से आराम से पाँच से दस परसेंट का गेन आप आराम से उठा सकते हो तो वीडियो शुरू करते हैं ठीक है वीडियो को एंड तक देखना अगर आ, आ, और मैं बताऊंगा कि आ, मतलब स्टॉक्स कैसे आ, लेने हैं और उसमें पोजीशंस कैसे लेने हैं इनफैक्ट आई मीन टू से कि आपको शेयर्स कितने रखने चाहिए कितने नहीं रखने चाहिए सारी बातें मैं बताऊंगा इन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी विद दिस स्ट्रैटेजी ठीक है तो पहले हम लोग बात करते हैं इनसाइड बार के बारे में ठीक है इनसाइड बार कैंडल क्या होता है इनसाइड बार कैंडल जो हम लोग देखना है हमें बस पहला है इन बार देखना है दूसरा हमें एक इंडिकेटर देखना है तो इन बार क्या होता है जब एक कैंडल एक कैंडल और दूसरा कैंडल सेकेंड कैंडल ये अगर इनगल्फ किया हुआ है इसके पहले कैंडल के अंदर का जो सेकंड जो सेकंड कैंडल है वो पहले कैंडल के अंदर बनना चाहिए इवन द शैडो अगर इसका शैडो है और इसका भी शैडो है तो शैडो भी इसके अंदर ही आना चाहिए सपोज ये है इसके अंदर ही शेडो आना चाहिए इसका भी ठीक है तो इसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल कहते हैं काफी सिंपल है अगर मैं आपको फिर दिखाता हूँ इस पे दिखाता हूँ चार्ट पे तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि आप यहां देखो ये एक इनसाइड बार है इसकी हाइट अगर आप देखोगे मैं दिखा देता हूं आपको काफी सिंपली होगा अगर जूम आउट कर देता हूं तो आपको आप देखो इसकी हाइट ये या अगर ये सिमिलर लग रहा है तो ये सिंपल देखो इसकी हाइट uh, और इसकी हाइट यहां पे ये इन बार कैंडल है इसके इसके अंदर ये रेड कैंडल है तो ये क्लियरली हम लोग कह सकते हैं इन बार है अगर और मैं दिखाऊं तो और अगर मैं आपको पीछे दिखाता हूँ पीछे ये देखो ये भी एक इन बार कैंडल है इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी है तो इसको हम लोग इन बार कहेंगे ये कैंडल ये कैंडल जो है इसके अंदर बनी है तो हम लोग इस दोनों कैंडल को एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन कहेंगे Although ये भी एक है आप थ्री कैंडल्स ले सकते हो बट हमें दो ही कैंडल लेना है फॉर द इनसाइड बार फॉर्मेशन ठीक है तो अब मैं बात करता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं तो हमें जो काम करना है देखो यहां पे भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये इन बार कैंडल है इसके अंदर इसके अंदर ये कैंडल बनी है तो बहुत ही क्लियरली अच्छे से इन बार कैंडल हो गया तो अगर अब मैं इसको इसकी बात करता हूं तो इसकी बात हम लोग यूज कैसे करेंगे हम लोग को पहला इनसाइड बार देखना है टाइम फ्रेम जो हम लोग को रखना है वो पांच मिनट रखना है ठीक है पांच मिनट में हम लोग को पहला इनसाइड बार सर्च करना है जो पहला इनसाइड बार होगा फॉर्मेशन का टिल टेन थर्टी टिल टेन थर्टी टेन थर्टी तक ही हमें सर्च करना है ठीक है टेन थर्टी से ज्यादा के बाद हम लोग सर्च नहीं करेंगे मतलब टेन थर्टी से पहले वो इंसाइड बार फॉर्मेशन हो जाना चाहिए सेकेंड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिकेटर इंडिकेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज तो वी वैप जिसको हम लोग वी वैप के नाम से जानते हैं तो वीवैप हम लोग यूज करेंगे ठीक है तो आपको बस इतना ही दो दो ही चीज का ध्यान रखना पहला इनसाइड बार कैंडल दूसरा वीवैप तो अब हम लोग यूज कैसे करेंगे जो भी आप लोग को स्टॉक्स दिए जाएंगे या आप लोग जो स्टॉक्स सेलेक्ट करोगे उसमें हमें इन बार कैंडल पहला फाइव मिनट के फॉर्मेशन में इनसाइड बार कैंडल देखना है तो सपोज इनसाइड बार कैंडल कैंडल ये हो गया था ठीक है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इन बार कैंडल बना तो इसके बाद ठीक है इसमें हम लोग को देखना है कि किस साइड ब्रेक करता है और उस साइड ब्रेक करने के बाद वो क्लोजिंग देना चाहिए सपोज कि यहां पे इसने लो साइड ब्रेक किया और यहां पे हमें क्लोजिंग मिल गया है इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गया है तो हम यहां पे अपना एंट्री पोजीशन बनाएंगे ठीक है अब मैं बात करता हूं कि ये ऊपर भी कर हो, हो हो सकता था अगर मान लीजिए यहां पे भी तो ये दे सकता था अगर यहां पे आप देखो यहां पे सिर्फ ब्रेक कर ब्रेक नहीं किया इसने क्लोजिंग नहीं दिया और अगर ऊपर क्लोजिंग देता सपोज कि ये क्लोजिंग यहां पे ऊपर होती और ये VWAP के ऊपर आता तो हम लोग बाइंग पोजिशन जाएंगे एज यूजल की जो क्लोजिंग है जो हमारा जो क्लोजिंग आ रहा है वो देखो कि अगर डाउन साइड क्लोजिंग आ रहा है हमारा डाउन साइड एंट्री मिल रहा है तो VWAP कहाँ है VWAP अगर ऊपर है तो हम लोग डाउन साइड में जाएंगे सपोज़ कि सपोज़ uh, मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ uh, अगर मैं आपको दिखाता हूँ वेट एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कहाँ कौन सा हमें इग्नोर करना है सपोज ये भी एक इनसाइड बार है अगर आप देखो यहाँ पे एक इन बार है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग डाउन साइड भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग वीवैप के ऊपर वीवैप के नीचे है यहाँ पे देखो हमें बाइंग की क्लोजिंग यहाँ पे मिली है तो वी वैप है क्लोजिंग के नीचे तो हम यहां से बाइंग के लिए जा सकते हैं आराम से और सपोज कि यहां पर अगर मान लो कि मैं बता देता हूं अगर मैं मुझे कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है बट आपको मैं एक केस दिखा देता हूं कि सपोज ये है ठीक है सपोज ये एक इनसाइड बार कैंडल अगर आप समझ लो ये एक इनसाइड बार कैंडल हो गया सपोज ये wait, ये एक इनसाइड बार अगर कैंडल आप सम, समझ समझ रहे हो इन केस अगर मान लो ठीक है और ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है सपोज और यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे रेड कैंडल हमें क्लोजिंग दे रहा है बट हम लोग यहां पे सेलिंग में नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि वीवैप अभी नीचे ही इसके इसके नीचे है यानी कि ये फॉर्मेशन जो नीचे का सिग्नल बाइंग सिग्नल है वो विवेप के ऊपर दिया है तो सेलिंग सिग्नल जो हम लोग का होना चाहिए वो विवैप के नीचे होना चाहिए और बाइंग सिग्नल जो है हम लोग का के होना चाहिए तो ये काफी सिंपल है बस इतना ही ध्यान रखना हमें फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एनसाइड बार ठीक है ठीक है एनसाइड बार का पहला फॉर्मेशन होना चाहिए दूसरा जो अगर जो हमें सिग्नल दे रहा अगर बाइंग है तो बाइंग हमें वीवैप के ऊपर होना चाहिए बाइंग सिग्नल अगर सेलिंग दे रहा है तो वीवैप के नीचे होना चाहिए ठीक है वीवैप के नीचे होना चाहिए बस यही दो चीज देखना और हमें फर्स्ट कैंडल ऑफ फर्स्ट यानी कि अगर इस दिन का हम लोग स्टॉक्स देख रहे हैं तो ये हमारा पहला है हम लोग ये इन साइड बार कंसिडर करेंगे इसके बाद का हम लोग कोई इन बार कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है तो अगर मैं आप अब आपको दिखाता हूं कि आज आज का क्या क्या हुआ था ठीक है आज मैंने स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स में करना है वो स्टॉक्स काफ़ी सेलेक्टेड होंगे मैं आपको वो स्टॉक्स हर रोज सुबह नाइन ट्वेंटी से पहले ही दे दूंगा और वो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में आप लिंक जाओ वहां पर टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जाके स्टॉक्स आप चैनल ज्वाइन करो वहां पर रोज सुबह नौ, नौ बज के बीस मिनट से पहले आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे ठीक है तो आपको स्टॉक्स ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है आपको आराम से इजी टू एक्सेसिबल है आप आराम से स्टॉक्स भी मिल जाएंगे और वहां से आपको सिर्फ दो स्टॉक्स मिलेंगे वही उसी दो स्टॉक्स में आपको काम करना है अगर उस दो स्टॉक्स में आपको एंट्री मिलती है साढ़े दस बजे से पहले तो आपको एंट्री लेना है अगर नहीं मिलती है तो हमें छोड़ देना है और दोनों स्टॉक्स में जो सबसे पहले मिलेगा सपोज कि आज मैंने ये एल हाउसिंग फाइनेंस दिया था और बंधन बैंक दिया था तो दोनों में हमें जो सबसे पहले मिलेगा उसमें हमें पोजिशंस लेना है उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा हमें हमें वो निकल लेना है अगर लॉस होता है तो उस दिन के लिए हम लोग उस स्टॉक uh, में ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग दूसरे स्टॉक में जाएंगे अगर मान लो कि हमें एल भी हाउसिंग फाइनेंस में अगर लॉस होता तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग दूसरे uh, बंधन बैंक में जाते और उसके बाद हम लोग साढ़े दस बजे से पहले अगर ये सीन हो रहा है तो हम लोग सेकेंड अपॉर्चुनिटी बंधन बैंक में ढूंढते ठीक है तो आज हम लोग देखते हैं uh, इसमें क्या हुआ ठीक है अगर आप यहां पे देखो ये इन बार था यहां पे क्लोजिंग हुआ और इसका एस और टारगेट कैसे सेलेक्ट करना है हमारा जो एस होगा और टारगेट जो होगा वो दोनों इस पॉइंट इस मदर कैंडल पे पहले कैंडल पे डिपेंड करता है इस कैंडल पे ठीक है तो सपोज मैं इसकी मेजरमेंट ले लेता हूं ठीक है अगर मैं इसकी मेजरमेंट ले लेता हूं तो ये करीबन है पॉइंट थ्री थ्री परसेंट तो हमें मिनिमम लेना है पॉइंट फाइव परसेंट का हम लोग पॉइंट फाइव परसेंट से नीचे का नहीं टारगेट लेंगे नहीं स्टॉप लॉस डालेंगे ठीक है तो सपोज इसका थ्री थ्री परसेंट है तो हम लोग पॉइंट फाइव परसेंट का टारगेट लेंगे और एस भी हम लोग पॉइंट फाइव परसेंट का रखेंगे तो हम लोग हम लोग की एंट्री यहाँ पे इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ पे मिली तो हम लोग यहाँ से ऊपर 0.5 परसेंट का यहाँ कहीं पे हम लोग एस डालेंगे एंट्री टाइम पे और हम लोग 0.5 फाइव परसेंट यहाँ पर बुकिंग करेंगे तो सिंपल हम लोग को आराम से यहाँ पे पॉइंट परसेंट मिल गया और ये हम लोग को कब मिला था एंट्री न, नौ बज के पचपन मिनट पे और अगर मैं बंधन बैंक की बात करूं बंधन बैंक में आप क्लियरली देख सकते हैं वीवैप के नीचे है ठीक है ये आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो आपको यह दिख जाएगा कि यह एक इन बार कैंडल है ठीक है ये एक इन बार फॉर्मेशन है यहां पर इन इनसाइड बार फॉर्मेशन है ठीक है ये एक इन बार फॉर्मेशन है तो आपको दिख जाएगा और जैसी यहां पे इसने क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग कहाँ है विवाब के नीचे है तो हमारा ये पोजिशन कितने कितने का था यह था पॉइंट का ठीक पॉइंट सेवन और सिक्स टू एट का तो हम लोग यहां से जो एस एल है हम लोग यहां पे एंट्री लिए तो हम लोग जो डालेंगे एस एल वो डालेंगे पॉइंट सेवन का ठीक है पॉइंट सेवन का डालेंगे और टारगेट भी हमारा पॉइंट सेवन का रहेगा हमारा टारगेट ईजी टू तो अचीवेबल है अगर मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने एच डी एफ सी थर्टी फर्स्ट को दिया था एच डी एफ सी एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक दिया था ठीक है वो भी हम लोग देख लेते हैं आप आपको अगर पास स्टॉक्स के वो देखने हैं आपको बैक टेस्टिंग करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे हर दिन के हिसाब से मैंने रोज उसमें पोस्ट किया है तो आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कोई कोई हमें कोई खास इंसाइड बार फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है यहाँ देखो यहाँ पे हमें क्लियरली बहुत अच्छे से इंसाइड बार फॉर्मेशन मिला यहाँ पे ठीक है और इसकी क्लोजिंग के लिए हम लोग इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग में बात करेंगे तो क्लोजिंग इस इसमें मिला है तो हमारा जो एंट्री uh, बनता है यहां पे बनता है और इसका इसका एसएल कितना है मेजरमेंट अगर हम लोग ले लेते हैं, तो पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है पॉइंट फाइव परसेंट यहां से हमारा एस एल होगा वो पॉइंट का होगा और हमारा टारगेट जो होगा वो भी पॉइंट का बहुत ईजिली हमें मिल जा रहा है ठीक है थर्टी की बात कर रहा हूं मैं थर्टी को अगर मैं देखू ठीक है थर्टी फर्स्ट को हमारा इन बार क्लियर बहुत यहाँ पे अच्छा से इन बार हमें देखने को मिल रहा है पहले इसी में मिला है तो आप यहाँ पे ले सकते हो इसकी मेजरमेंट अगर आप लोग तो पॉइंट परसेंट इसका भी है ठीक है और यहां से हमें एंट्री लेना है स्कैंडल इस इसके क्लोजिंग के बाद हमें यहां से एसल 0.5 परसेंट का एसल डालना है और टारगेट हमें 0.5 परसेंट का तो बहुत इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं अब बात करते हैं कि हम लोग कितने शेयर्स लेंगे तो सपोज आपके जो शेयर्स हैं सपोज आप रिस्क कितना लेना वो पहले डिफाइन कर लो कि अगर आपको 500 का रिस्क लेना है ठीक है 500 का अगर मान लो रिस्क है तो आप क्या करो कि एस कितना है ठीक है सपोज एस है आपका पॉइंट का कितना पॉइंट है फिफ्टीन पॉइंट ठीक है फिफ्टीन पॉइंट को क्या करो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर बहुत अच्छे से आपको दिखा देता हूँ 500 का अगर आपका तो आपको लॉस एक दिन का लेना है मैक्स टू मैक्स आप इससे ज्यादा लॉस नहीं देना चाहते हो तो आपको फिफ्टीन पॉइंट्स का एस है ठीक है उसको डिवाइड कर दो फिफ्टीन से तो तैंतीस पॉइंट थ्री थ्री आ रहा है तो थर्टी फोर या थर्टी थ्री शेयर्स आप ले सकते हो आराम से थर्टी थ्री शेयर्स लोगे तो आपको पॉइंट फाइव का इसमें बेनिफिट होगा ठीक है सपोज आपने हजार शेयर्स लिए हैं ठीक है और सपोज इसमें एसएल कितना अगर आपने ये ये लिया है तो इसके कितने पॉइंट्स है छः पॉइंट्स है एस एल कितना है पॉइंट फाइव सात सात रुपये का हम लोग ले लेते हैं तो हम लोगों को अगर पाँच सौ रुपये का एस एल डालना है पाँच सौ रुपये से ज़्यादा मैं लूज नहीं करना चाह रहा और सात रुपये मेरा एस एल है तो हमें कितना लेना है सेवेंटी सेवेंटी वन टू सेवेंटी टू शेयर हमें एंट्री लेना है बस इतना ही है रिस्क मैनेजमेंट इतना ही है और आपको वन इज टू वन आराम से मिलेगा बहुत अच्छे से आपको ये मिलेगा ठीक है और बहुत इजी इजी एक्सेसिबल ये स्ट्रैटेजी आपको रोज सुबह स्टॉक्स में मिल जाएंगे आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी आपको साढ़े दस बजे तक बस देखना है उससे ज्यादा आपको देखना ही नहीं है साढ़े दस बजे से के बाद आपको नहीं देखना साढ़े दस बजे से पहले अगर आपको ट्रेड मिला तो लेना है नहीं लेना है नहीं मिला तो नहीं लेना है ठीक है सिंपल एज सिंपल एज दैट तो ये आपको बहुत अच्छे से फॉर द स्टार्टिंग जर्नी आप स्टार्टिंग अगर आप इंटरडे ट्रेड करना चाह रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी से आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो बहुत ईजी और सिंपल है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू एक्सेसिबल है ठीक है तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक uh, like करें शेयर करें सब्सक्राइब करें uh, मेरे चैनल को और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग